हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। गाइस, वेलकम बैक इन एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। ओके, हम यहाँ आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके सारे पार्ट्स यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। ओके, रेक्टेंगल्स में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और उसका एरिया कितना दिया हुआ है। एरिया हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो ठीक है। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स, सब मीटर्स में रहेंगे, ओके, लेंथ भी ब्रेथ भी, इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या दे रहा है, लेंथ जो है एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। ब्रेथ का दोगुना करने के बाद एक ज्यादा है क्या, लेंथ। तो अगर मैं कंसिडर करूं लेट द ब्रेथ इज एक्स मीटर, कंसिडर किया मैंने लेट ब्रेथ इज एक्स मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास, लेंथ हो जाएगा 2x+1। अकॉर्डिंग टू दैट मैंने b इक्वल्स टू x ले लिया है ना, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x+1 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा। अब क्या बोला है हमें, एरिया दिया हुआ है, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना हमारे पास 2x+1, और ब्रेथ कितना हमारे पास x, और एरिया कितना दिया हुआ है 528। क्लियर, ऐसे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2x² + x, दिस इज 528। एक तरफ शिफ्ट कर दिया अगर मैंने सबको तो कितना हो जाएगा -528, दिस इज 2 = 0। ओके, हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ के बेसिस पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्या हो गया, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म पे हो गया। हैंस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इक्वेशन को ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, तो चलो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसी के वजह से काफी इजी है, खाली हमें इक्वेशन बनाना है इसका, राइट। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, अगर 3 है तो उसके बाद क्या आएगा 4, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं। तो सपोज फर्स्ट जो इंटीजर है हमने ले लिया, फर्स्ट इंटीजर जो है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ही बोला है ना, तो फर्स्ट इंटीजर को हमने ले लिया x, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर को हम क्या लिखेंगे, x+1, है ना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक वाला, अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ऐसे एक के बाद एक। टू इंटीजर्स बोले हैं तो x होगा और क्या होगा, x+1, अगर 3 बोला होता तो x+2 करना पड़ता हमें, है ना। इसी में एक 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 बढ़ता रहता वो। इसी के बेसिस पे हमने फर्स्ट इंटीजर को x ले लिया और सेकेंड इंटीजर को क्या ले लिया, x+1। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज दिस। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है हमें, 306 दे रहा है। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब हमें इंटीजर फाइंड आउट करना है, तो फिर कैसे करेंगे हम ये, x² + x = 306। हमें सबका क्या बनाना है यहाँ पे, फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसे हम रीराइट अगर कर लें तो +x - 306 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax² + bx + c = 0 के फॉर्म पे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कैसे, टू कंसेक्यूटिव बोला था इसीलिए हम क्या लिखेंगे, द टू कंसेक्यूटिव, आप लिख लीजिएगा, द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 306 = 0। दिस इज योर आंसर। ओके, चलो अब जल्दी से थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, काफी इजी जा रहा है ये, राइट। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हम एक काम करते हैं, रोहन की एज ले लेते हैं, रोहन्स एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, कंसिडर किया हमने। तो क्या बोल रहे हैं, उसकी जो मदर है उससे कितने ज्यादा है, 26 ईयर ज्यादा है। तो रोहन की मदर्स एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, x + 26 लिख सकते हैं। अगर रोहन एक साल का है और वो बोल रहा है कि उसकी मदर उससे 26 ईयर्स ज्यादा है, तो उसकी मदर की एज 27 हो जाएगी, राइट। इन द सेम मैसेज हमने क्या ले लिया, एक्स ईयर्स ले लिया रोहन को, तो x + 26 हो जाएगी उसकी मदर की एज। ओके, अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स,
3 years from now, अभी से 3 साल बाद के बाद जो भी उनकी एज होगी, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है? 360 दिया है. तो अगर मैं देखूं after 3 years, ये तो प्रेजेंट एज हो गई है ना, तो after 3 years रोहन की एज कितनी होगी? x plus 3 हो जाएगी, right? और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? x plus 3 into 20 plus 26. उसका एज कितना था? x plus 26 plus 3. ओके, तो ये कितना हो गया? x plus 3 रहेगा रोहन का. मदर का कितना हो गया? x plus 29. अब क्या बोल रहा है? इनका प्रोडक्ट कितना दिया है? 360 दिया है ना. तो इसे रीराइट कर लेते हैं. इनकी एज का प्रोडक्ट x plus 3 plus x plus 29 equals to 360. क्लियर? अब ये मिल गया तो हम इसे तो इक्वेशन को तो ओपन अप कर ही सकते हैं. चलो कर लेते हैं. x square plus 3x plus 29x and 29 into 3 is 87 equals to 360. क्लियर? अब अगर हम इसे रीराइट कर लें तो क्या हो जाएगा? x square plus 32x plus 87 and minus 360 equals to 0. इसे फिर से हम क्या लिख सकते हैं? x square plus 32x minus 273 equals to 0. मिल गया हमें ये quadratic equation, right? हमारा ये quadratic equation आ गया. इसे मैं अच्छे से box में put down कर लूँ. चलो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. तो हम इसे अब क्या लिखते हैं? हमें मैथमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना होता है इसमें. तो हम क्या लिखेंगे? हैंस द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज सेटिस्फाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0. ओके गाइस, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं अपन. ओके, तो क्या बोल रहा है ये? अ ट्रेन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे वो कितना किलोमीटर चल रहा है? 480 किलोमीटर चल रहा है. ओके, आगे देखें. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को हमने क्या कर दिया? 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया. ओके, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितने आज ज्यादा लेगा हमसे? 3 hours और ज्यादा लेगा. ओके, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन. अब हमें क्या करना है? स्पीड ऑफ अ ट्रेन फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करें? सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं क्या स्पीड ऑफ अ ट्रेन. स्पीड ऑफ अ ट्रेन हम कंसिडर कर लिए अगर x किलोमीटर पर आवर. ओके, यहाँ पे साथ साथ में चलते जाते हैं. x किलोमीटर पर आवर कर लिया. अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने के लिए बोला है ना. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये भी बोला है हमें. चलो, तो यहाँ पे अब डिस्टेंस कितना दिया हमें? डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर. और यहाँ पे भी ये स्पीड हो गया. यहाँ पे भी डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 480 किलोमीटर. ओके, अब क्या बोल रहा है कि टाइम का ड्यूरेशन है इसमें 3 hours मोर. तो हमें क्या पता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अगर मैं इसी के बेसिस पर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखूं तो कोई डाउट नहीं है, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है हमें. तो हम लिख लेते हैं अब टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना. तो टाइम यहाँ के लिए जो टाइम है, यूनिफॉर्म स्पीड जब x है हमारा, तो यहाँ के लिए जो टाइम है, डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितना है? x. और यहाँ के लिए जो टाइम होगा, टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना है? 480 और स्पीड कितना है? x माइनस 8. क्लियर है? ये हमारा दो फॉर्म हो गया. लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये वाला जो है, जो लेट हुआ है, ये कितना ज्यादा ले रहा है? 3 hours और ज्यादा ले रहा है. किससे? इस स्पीड से, इस टाइम से ज्यादा ले रहा है 3 hours और. तो हम इसे अगर रीराइट करें तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे जो ओरिजिनल टाइम था, जो ओरिजिनल टाइम था उससे कितने आवर्स ज्यादा? 3 hours ज्यादा. कौन ले रहा है? जो लेट वाला टाइम है. क्लियर है? लेट वाला टाइम. तो अब ये इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा. तो हम इसे अब सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो क्या लिखूं मैं इसे? 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3. इस वाले को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा. अब एलसीएम ले लेंगे हम, तो x इंटू x माइनस 8, इधर कितना हो जाएगा? 480x माइनस 480 इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 3. आई गेस कोई डाउट नहीं है. इधर सॉल्व कर रही हूँ मैं. ओके, क्या होगा ये? 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 3640. ओके, ये हो गया. ऊपर का ओपन अप कर ले. इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 8 इंटू x. क्लियर है? ये इस तरफ चला गया. ओके,
चलो इसे अब हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 3640 इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू क्या 3640, रीराइट कर ले 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल्स टू 0, हमें क्या मिल गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द स्पीड ऑफ अ ट्रेन सेटिस्फाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल्स टू 0, ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट फोर्थ, ओके, पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. गाइस यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 हमारा फिनिश होता है, नेक्स्ट हम मिलेंगे वीडियो में जो कि 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ओके स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइस अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.